हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल फेस रीडर और मैं हूं आपका दोस्त अभी समय। तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूं। मैं आया हूं हॉस्टेलर द हॉस्टेलर हॉस्टल, ये है मैकलॉडगंज में, अपर भागसू नाग में पड़ता है धर्मशाला। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप देखिए, देखिए दोस्तों, दिस इज़ द प्रॉपर्टी, दिस इज़ द हॉस्टेलर हॉस्टल। यहाँ पे सभी जगह के लोग आते हैं, रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और नेचर के नज़दीक होते हैं। देखिए, तो आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा द हॉस्टेलर हॉस्टल। तो देखिए वहाँ पे क्या क्या है, लोग कैसे रहते हैं और क्या खाने को मिलता है, और नेचर मेन है, नेचर देखिए। आइए चलो, देखिए देखिए ये देखिए यहाँ से, और देखो ये लोकल्स हैं, लोकल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे काओ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए काओ यहाँ पर आपको दिख जाएगी, वहाँ पे है ना, काओ को वो खाना खिला रहे हैं, ऐसा लोकल्स हैं यहाँ पे। तो ये रहते हैं और रेंट पे भी देते हैं। और ये तो फिर हॉस्टल हो ही गया, हमने बुकिंग कर ली थी वर्ल्ड बुकिंग डॉट कॉम से। मैं आके यहाँ पर, देखिए देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है, देखिए ये देखिए। और दोस्तों देखो, यहाँ पर ना पहाड़ पर हमेशा बादल होते ही हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़ पर हमेशा बादल होते हैं, क्योंकि हम हैं ही बादलों में, यू कैन से। और देखो यहाँ पे ये फार्मिंग करते हैं, और अब यहाँ पे कुछ फीमेल आएंगी लोकल और वो कुछ काटेंगे, सब्जी लेके जाएंगे, कुछ ऐसा। तो ये तो ऐसा लग जैसे स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। तो आपने DDLJ में देखा होगा ना गानों में, स्विट्ज़रलैंड कितना ब्यूटीफुल, काजोल और शाहरुख का, ऐसा लगता है। देखो बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। देखो यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, और लोग घर बना के रहते हैं पहाड़ों पे। ये देखिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहाड़ों में ही घर बना के रहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। नाइट में तो, रात में तो चमकती हैं लाइटें, तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, अब हम इस साइड से आए थे, ये बहुत प्यारा है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द हॉस्टल, देखिए। चलिए मेरे साथ एक सुहाने सफ़र पर, देखिए दोस्तों कितना प्यारा है। और कल मैं यहाँ दोस्तों देखो ऊपर भी गया था, यहाँ जो पीछे है यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग की थी, बहुत ट्रैकिंग मैंने की है दोस्तों। और लगभग 15,000 स्टेप्स मैं चल चुका हूँ, और पहाड़ों पे मतलब पैर मेरा दुख गया है और थोड़ा सा मोच भी आ गया, बट कोई नहीं, यही तो मज़ा है। अब जवानी में ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन लुत्फ है, मज़ा भी आता है। देखिए दोस्तों मेरी तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए कितना हसीन नज़ारा है। आपको लगता है कि आप जन्नत में हो, और शांति है, कोई भी शोर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शोर नहीं है। देखिए कोई नहीं, ये गिम्बल थोड़ा सा मूव हो गया था, तो कोई भी शोर नहीं है यहाँ पर, शांति है, बहुत शांति है। देखिए देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा। हाँ देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि जो लोकल्स आएंगे और वो कुछ काटेंगे फसल, देखो वहाँ पर आप देखिए बहुत दूर वहाँ पर कुछ वो फसल काट रहे हैं, अभी आगे आ जाएंगे। देखिए देखिए, मैं अब आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ, पहले बैकयार्ड थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे हम बैठ करके चाय कॉफ़ी फिर पीते हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ से। देखिए ये देखिए बर्ड, बर्ड देखिए निकल गई, बर्ड को मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, ये नीचे चले गए, देखो ये चले गए, कोई नहीं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ आर प्लेस वेयर वी सिट, यहाँ पे देखिए, ये हमारे अदर दोस्त भी बैठे हुए हैं, से हेलो। ये देखो इनके साथ हमने कल खूब इंजॉय किया। देखो ये पीछे पहाड़ है, यहाँ पे ना म्यूजिशियंस भी होते हैं, वो सॉन्ग प्ले करते हैं, कुछ गाते रहते हैं, फोक और हिपी वो सब चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखिए, तो बहुत ही शांत है। देखिए 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 देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। देखिए तो यहाँ पे बैठ करके हम खाना भी खा सकते हैं और सनबाथ ले सकते हैं। अब हम अंदर चलते हैं, देखिए मैं आपको जल्दी से अंदर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं, पीपल आर कमिंग। ये देखिए यहाँ पे सब हॉस्टल के जो बंदे हैं आ रहे हैं वॉक करने, घूमने, वॉक पे जाते हैं ना सुबह सुबह, कितना प्यारा होता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे झूले भी लगे हैं,
और आराम से झूलों पे बैठ करके यह हसीन वादियाँ देखते हैं। देखिए अब मैं आपको सलमान जी से मिलवाता हूँ जो यहाँ पे टेक केयर करते हैं, शायद वही रन कर रहे हैं, तो मेरी फ़ोन पर इन्हीं से बात हुई थी। सलमान जी हमको मिल जाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हैं सलमान जी। हेलो सलमान। हाय। अच्छा हम लोग हैं देखो द हॉस्ट टेलर हॉस्टल में, अपर भागसू नाग में, मैकलॉडगंज में। तो ये हॉस्टल बहुत अच्छा लगा हमें, कलरफुल है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, व्यू बहुत अच्छा है, मैंने ऑडियंस को दिखाया। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ बुलाएंगे यहाँ पे, इनवाइट करेंगे आने के लिए? डेफिनेटली आप लोग, उन्हें क्या प्लस मिलेगा यहाँ आकर के, जो यहाँ पे आके सुकून मिलेगा आपको या पीस मिलेगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिटीज में बिल्कुल नहीं मिल सकता। यहाँ आइए, एक्सप्लोर कीजिए, सोशल होइए और नए लोगों से मिले, नई नई फ्रेंडशिप कीजिए। ये भी है, म्यूजिक भी है, खाना भी है। दोस्तों मैं आपको खाना भी दिखा देता हूँ, आपको पहाड़ों में खाने की चिंता नहीं करनी है। देखो मेन्यू भी यहाँ लगा हुआ है और ब्रेकफास्ट मेरा भी अभी रेडी होने जा रहा है। देखो यहाँ पर हम, ये ओपन किचन है, सब यहाँ पे इजीली यहाँ आराम से बैठे रहते हैं, फ़न करते हैं। यहाँ पे जैसे झूला है तो झूले पे बैठते हैं और आराम से झूलते हुए कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर देना होता है तो ये भैया हमें खाना खिला देते हैं सब कुछ। ये अपना ब्रेकफास्ट का है तो मैं भी कुछ खा के ही जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा, यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह साथ रहता ही है तो हम म्यूज़िक प्ले करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, बहुत नेचुरल है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। देखिए आपको इंडोर नहीं लगता है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आप बैठ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल चीज़ें आप देखेंगे, बहुत ही क्रिएटिव उन्होंने किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत ही पीसफुल है, तो यहाँ पे बैठ करके कुछ भी चाय कॉफ़ी पीना उसका एक अलग ही लेवल है। अगर आपको स्मोकिंग करनी है तो यू कैन गो आउटसाइड, जैसे ये अभी दोनों भाई कुछ स्मोकिंग कर रहे हैं और सन बात ले सकते हैं। आपको अंदर आना है, आप अंदर से कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पे 10 बेड मुझे मिला था क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, लॉकडाउन के बाद हर कोई वहाँ आना चाहता है, तो मुझे जो मिला एक नाइट के लिए तो मैंने कर लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए दोस्तों ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रीम कैचर और आर्टिस्टिक लगाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पेंटिंग्स रहती ही हैं, मतलब कलरफुल रहता है यहाँ पर, कभी भी उदास नहीं मिलेगा आपको, कलरफुल रहता है यहाँ पर। देखिए तो मैं रुका हूँ यहाँ पर, रिकमेंडेशन है यहाँ, इसमें मेरे को 10 बेड में मिल गया था। तो जब कुछ भी नहीं था तो मैंने कहा चलो एक नाइट तो स्टे करते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट कर लेंगे। तो 1 नाइट मुझे मिल गया, मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैं आपको यहीं सोया था। और यहाँ पे बैग दे देते हैं, लॉक कर सकते हैं, और वॉशरूम दो दो हैं ही हैं। तो यहाँ पे एक आपको कभी भी अकेला नहीं लगेगा, नए नए लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग, और फिर आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। देखो अब मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, देखिए 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 कितना क्लियर व्यू है। मैं आपको और पहाड़ों की तरफ लेके जाता हूँ, देखो देखिए यहाँ पे और ऊंचा, ये एक और बिल्डिंग बन रही है, अब यहाँ पे भी लोग स्टे करेंगे, होटल बन जाएगा, इसके ऊपर भी है दोस्तों। मैं कल ये सब जगह विजिट, उस पहाड़ पे भी होके आया मैं कल, बहुत ट्रैकिंग की मैंने। देखिए मैं आगे से दिखाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे झूला है, तो आप यहाँ झूले पे बैठिए, झूलते रहिए और हसीन वादियों का नज़ारा लीजिए। बताइए दोस्तों कैसी जगह है, आप भी आना चाहेंगे ऐसी जगह, कैसा लग रहा है आपको बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। देखिए देखिए बर्ड्स की आपको आवाज़ भी आएगी। मैं थोड़ी देर कैमरा थोड़ा सा स्टेबल करता हूँ ताकि आप भी मेरे जितना पीसफुल देख पाएं। आप सुन सकते हैं बर्ड्स की आवाज़ आएगी। देखिए मैंने जूम किया, आराम से आप देख सकते हैं, ये है शांति वाला एक जगह जहाँ बैठ सकते हैं। देखिए अब बादल आ गया इसलिए चमकेगा नहीं, थोड़ा सा शाइन नहीं है, लेकिन फिर भी जब शाइन आती है तो और अच्छा लगता है। देखो वहाँ पे धूप है दोस्तों, देखिए जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना वहाँ पे धूप है, लेकिन यहाँ पर अब बादल आ गया है, तो ये पहाड़ों में ये धूप छाँव चलता रहता है, देखने में मज़ा आता है। देखिए ये सेब के पेड़ वगैरह होते हैं यहाँ पर, सेब लगे रहते हैं, और ये लोकल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वो फ्लावर्स देखिए आप, जो रोज़ेज़ हैं, इतने भर भर के फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे,
बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें लगते हैं, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, देख लेता हूँ, हाँ आज के व्लॉग में इतना ही, फिर हम एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे काफ़ी दिन हूँ तो हम विज़िट करते रहेंगे नई नई जगह, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आप भी मेरे साथ चलेगा और आप अपने घर बैठ कर के ही ये सारे लोकेशंस इन्जॉय कर सकते हैं। और जब आपको मौका मिले यहाँ पहाड़ों में आने का, मैक्लोडगंज धर्मशाला विपसना करने भी आएँ तो आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे अच्छे कैफ़े भी बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं जहाँ रुका हूँ नई जगह वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे कैफ़े हैं, मैं उनका भी आपको विज़िट कराऊँगा और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगा आप लोगों के लिए, कि आप हमारे जो हमारी टीम है अभी समय स्पोर्ट्स क्लब में वो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं तो वो कम से कम देख सकते हैं, तो उनके लिए भी है ये, और फैमिली और लोगों के लिए भी है, जो बूढ़े लोग हैं जो नहीं आ सकते उनके लिए भी है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, हम नए व्लॉग में मिलेंगे।